बीएस टीडीपी का मास्टर सिलेंडर। जिनके पास केटीएम और यामा का बाइक है, एक साथ छेड़खानी मत करो। इसका एक नट जो है वो मिसिंग है, जिसको मेरे को जुगाड़ करने के लिए हर एक जगह सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बड़े होंगे और आगे बढ़िया ही रहना। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:40 और अभी भी जस्ट सो के उठे हैं। सो के उठने के बाद एक ख्याल में आया कि भाई हम एक चीज़ लाए थे, उसको बाइक पे इंस्टॉल करना है। उसको अगर हम इंस्टॉल कर लेंगे तो बाइक पे बहुत ज़्यादा लुक एनहांस हो जाएगा। सो गाइस ये है वो चीज़, BSTDP का मास्टर सिलेंडर, जो कि फेक है, मतलब सिर्फ मास्टर सिलेंडर है। आप मैं पूरा ब्रेक किट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यामा का ब्रेकिंग बहुत तगड़ा है, KTM का भी तगड़ा है। आपके पास KTM और यामा का बाइक्स है तो आप लगाओ ही मत वो सब चीज़, ब्रेक के साथ छेड़खानी मत करो। अगर आपको लुक चाहिए वो सेम लुक, तो आप ये ऑर्डर करके लगा सकते हो, आपको ऑनलाइन पे अच्छे से मिल जाएगा। सो भाई बॉक्स खोलने के बाद मेरे को पहले मिलता है ये मास्टर सिलेंडर। आप देखो इस पर एक जो है फ्लूइड ना लीक होने के लिए एक होल्डर दिया है, जो कि सही बात है, वरना हमको कुछ एक जुगाड़ लगाना पड़ता। 3 इंच का मास्टर सिलेंडर है ये। उसके बाद आता है एक पाइप, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ मैं इसको लेके, क्योंकि मैं ब्लैक पाइप मतलब इमेज पर था तो वही ऑर्डर किया था, लेकिन ब्लू पाइप आ गया है। इसको कैसे करके ब्लैक करना है तो थोड़ा कुछ ऐसे मतलब ऑर्डिनरी जैसा लगा है, क्योंकि मेरा बाइक का थीम रेड एंड वाइट है और उस पर अगर मैं ये ब्लू चिपका दूँ तो भाई क्या लगेगा। अगर आपके पास R15 का है ब्लू कलर, तो आप रेसिंग ब्लू कलर जो होता है यामा का, वो होता है तो आप लगा सकते हो। R15 M में भी लगा सकते हो, R15 कहीं पर भी चिपक जाएगा। और उसके साथ आते हैं कुछ स्क्रूज, ये ब्लैक कलर का दिया है। सब कुछ 3 ही चीज़ें मिलता है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आपको बाइक का लुक पूरा एनहांस करके देगा। चलो भाई बाइक पे सेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि भाई फील कैसा आता है इस चीज़ में। मैं भी अभी तक एज्यूम नहीं किया हूँ, मेरे सिर्फ एक 2-3 दोस्त के हैं, सो उनसे देख के थोड़ा सा लुक एनहांस करने का मूड हो रहा था। चलो चलते देखते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी तीसरा दिन है, मतलब आप पहले वाला जो क्लिप देखे वो 3 दिन पहले शूट हुआ था और ये 3 दिन बाद शूट हो रहा है, और यही रीज़न है वीडियो इतने दिन डिले होने का। और अभी टाइम हो रहा है 10:46 और इतना दिन डिले क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है भाई। हम जो मास्टर सिलेंडर लाए थे इस पर सब चीज़ सही है, लेकिन भाई इसका एक नट जो है वो मिसिंग है, जिसको मेरे को जुगाड़ करने के लिए हर एक जगह भागना पड़ा। मैं भी कल वेस्ट बंगाल होके आया हूँ, तो वेस्ट बंगाल भी मैं ढूंढा, लेकिन वो जो स्पेसिफिक नट है 15 नंबर का बोल्ट, वो नहीं मिल रहा है। नहीं जानता आपके वहाँ कैसा अवेलेबल होगा, लेकिन मैं जो एरिया पर लेता हूँ गढ़गांव पर, यहाँ पर वो नट अवेलेबल नहीं था जब तक मैं ढूंढ रहा था। मेरे को एक नट मिला एक का ट्रक के गैरेज में। सो अगर आप ये चीज़ लगा रहे हो एनी बाइक, या हर एक बाइक पे सेम रेंज अप्लाई होता है, सो आप ट्राई करना ट्रक के गैरेज में ढूंढने के लिए, क्योंकि भाई बाइक के जो गैरेज होते हैं उसमें आपको सिर्फ 13 नंबर तक का बोल्ट मिलेगा। छोड़ो भाई जितना दिन हमारा वेस्ट हुआ तो हुआ, ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा 2-3 दिन और, लेकिन ये वीडियो शूट हो रहा है 23 को, लेकिन ब्लॉग 24 को ही आ जाएगा। हमारा ये फेक मास्टर सिलेंडर है, जिसपे आप चाहो तो ब्रेक फ्लूइड डाल सकते हो और अगर ना चाहो तो डाल ना सकते हो, लेकिन हम भाई देसी आदमी हम ये चीज़ डालेंगे। स्टिंग ये ब्लू कलर का है, तो ब्लू लाइट के पास हम ले जाएंगे। सो ये ब्लू स्टिंग हम डालेंगे, जिससे लुक थोड़ा एनहांस होगा और यूनिक फ्लूइड लगेगा। और मैं चाहता तो रेड डाल सकता है, लेकिन रेड पे उतना मज़ा नहीं है, लेकिन फिर इसको डालेंगे। हम तो चेंज करते रहेंगे, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, कितना दिन का एक्सपायरी होता है तो ये ख़राब हो जाता है, तो मैं भी प्लास्टिक डैमेज कर सकता है। हमारा ये जो पाइप है ये ब्लू कलर का दिया है, लेकिन मेरा बाइक है वाइट एंड ब्लैक एंड रेड, ये तीनों कलर का मेरा बाइक है। सो ये ब्लू को मेरे को ब्लैक करना है, और ब्लैक करने के लिए मैं एक जुगाड़ अरेंज किया हूँ, जो कि भाई ये मेरा सदियों पुराना ब्लैक टेप, इसको हम लपेट के ब्लैक कर लेंगे। एक चीज़ आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा कि भाई तू अगर फ्लूइड डालेगा इसके अंदर तो लीक होने के भी चांसेस है, हालांकि इधर कैप दिया है, लेकिन मैं अगर पाइप लगाऊंगा तो ये कैप को खोलना पड़ेगा। सो इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए हम एक ग्लू लाए हैं, जो कि है ये वाला फ्लेक्सिट। सो ये बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग ग्लू है, और इसको लगाने के लिए बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फेविक्विक से भी 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है।
सो इसको कैसे करके फिक्स करेंगे, चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसको फिक्स करते हैं और फिर बात करते हैं। भाई बहुत भागा हूँ इस चीज़ के लिए। 2 hours later भाई ऑडियो बहुत ज्यादा फट रही है और मेरे को शायद से थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। इस जगह का तो यही सीन हो गया है कि इधर आने पर काम नहीं कर रहा है, मूड पूरा तहस महस हो गया है। इतना अच्छा मूड लेके निकला था कि एक ब्लॉग बनाऊंगा, थोड़ा दूर जाने का प्लान था लेकिन मैं यही से यूटर्न मार रहा हूँ। इन एक्शन कैमरे का तो भाई यही झोला है, आई कैरेक्टर मिलना बहुत दिक्कत की बात है इसमें। चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करवाया इस चीज में। आप देख सकते हो मैंने एक सब बोल्ट लिया, ये बोल्ट मेरे को मिल नहीं रहा था, सो ये बोल्ट मैंने बहुत ये सब करके मैंने जुगाड़ किया है। बोल्ट लेने के बाद फिर मेरा लेंथ सही नहीं बैठ रहा था, फिर मैंने सोचा इसको काट दूं, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया क्योंकि काटना नहीं है। फिर जैसे एक बोल्ट ऊपर से एक बोल्ट और वो दोनों बोल्ट एक सिंगल बोल्ट पे टिके हुए हैं और इसके बीच में है ये होल्डर, मास्टर सिलेंडर का होल्डर। और भाई इसके अंदर, इसकी मैं बोला था स्टिंग है और मैंने इस पे ब्लैक पाइप तो नहीं था लेकिन मैं इसको ब्लैक टेप मार के ब्लैक पाइप से किया हूँ और अंदर पे मैंने पाइप ले लिया है। और बस ये रही कुछ लुक इसकी, और देख सकते हो वाइड एंगल पे कैसा आ रहा है मैं बता नहीं जाऊंगा, लेकिन ये रही भाई लुक। चलो भाई आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मूड बहुत बिगड़े बिगड़े हुआ है। सो इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लेना, मैं DJI का जो सॉल्यूशन है वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। और बस भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार मूड नहीं हो रहा है, मेरा जंगल उस तरह पे मेरा घर और अभी सनसेट हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा रिस्क है क्योंकि इस साइड भी हाथी आ सकते हैं, इस साइड भी हाथी आ सकते हैं, शेर भी आ सकते हैं इधर, क्योंकि रिसेंटली केस हुआ है। और बस भाई मैं भी निकलता हूँ, अभी थोड़ा रील निकाल के जाना पड़ेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल लाइक से सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर से दबा देना और हाँ इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना। और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, मैं भी कल या परसों और एक वीडियो आ जाएगा क्योंकि मैं डेली थोड़ा कंटिन्यू होने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। एंड बस मिलते हैं, पीस आउट, जय श्री राम।